प्रभा, मेरा नाम पुष्कर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आज मैं नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो विष्णु जी के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन वर्मा जी के चार पुत्र विष्णु जी के दर्शन पाने गए, तो ना जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझ के अंदर नहीं जाने दिया। तो और उन चारों पुत्रों ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें धरती लोक पे जन्म लेना होगा। तो ना विष्णु जी ने उन्हें दो क्लब दिए कि ना उन्हें हम उन्हें 3 साल अगर उनके दुश्मन बन के या 7 साल धरती लोक पे उनके भक्त बन के रहना पड़ेगा। तो उन्होंने ये विकल्प चुना कि उन्हें उन्हें 3 साल उनके दुश्मन बन के रहना है, ताकि उन्हें ज्यादा समय तक विष्णु जी से दूर न रहना पड़े। तो ना उन्हें धरती रूप में प्यास हुआ, उनका नाम हुआ हिरण्यकश्यप। तो ना हिरण्यक्ष को विष्णु जी के 5वें अवतार ने खत्म करके मुक्ति दी, जिससे हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने अपने राज्य में ना विष्णु की पूजा करना ही बंद करवा दिया, और जो भी विष्णु की पूजा करता वो उसे कारागार में डाल देता। तो ना ऐसे ना जब वो तब उसने वर्मा जी की तपस्या करके ना अमर होने का वरदान पाके सोचा, और उसने ऐसा ही किया। तब ना इंद्र उसकी ना पत्नी उसको ना उठा के ले अगवा कर ले गए। फिर ना जब ना नारद मुनि ने उन्हें रोका और ना उसे उन्हें अपने आश्रम ले गए। जब हिरण्यकश्यप ना तपस्या करके लौटा, तब ना उसने इंद्र के साथ युद्ध किया और ना अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। तब ना उसका पुत्र नारद मुनि के आश्रम में वो विष्णु जी की प्रहलाद था उसके पुत्र का नाम। तब नारद जी के आश्रम में उन्होंने वो रोज विष्णु जी के नई कथाएं सुनती, इससे उसके पेट में पल रहा बच्चा पहला विष्णु जी का भक्त बना। तब जब वो हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा, तब उसने इंद्र के साथ युद्ध करके वो उन्हें ले आया। तब जब प्रहलाद बड़ा हो गया, तब हिरण्यकश्यप को पता चला कि ना अपने सबसे बड़े दुश्मन का भक्त है वो। तो ना हिरण्यकश्यप ने ना अपने बहन होलिका को बुलाए और ना उससे बोला कि तुम्हें तो वर्मा जी से वरदान मिला कि वो अग्नि पे नहीं जल सकती। तो ना वो उसे प्रहलाद को लेके ना चलती चिता पे बैठ गए, लेकिन पुत्र प्रहलाद नहीं रहा। लेकिन ना वर्मा जी ना लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ सब होलिका को हुआ। तब ना तब उसके पिता ने बोला, मैं 3 लोगों का स्वामी, मुझसे बड़ा जो है वो कहाँ है। तो उसने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोला कि भगवान तो हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए बोला, क्या इस खम्भे में भी। तो ना तो वो अपनी गदा उठा के खम्भे को तोड़ने लगा। तब जाके ना उससे एक सिर की आवाज आई और खंभा तोड़ के निकले भगवान नरसिंह, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लिया। और उन्हें पता था कि उसे वर्मा जी से बलिदान मिला है, वो किसी अस्त्र से नहीं मारेगा।
कहानी खत्म। हिरण्यकश्यप नहीं नरसिंह बोलते, नरसिंह शांत हो गए।